नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बीइंग यूनिक टीवी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनवेश, सब सभी को स्वागत करता हूं। वह फिर से एक अच्छा नया वीडियो भेज तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो के थंबनेल देखकर आप लोग तो समझ चुके होंगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रहा हूं। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं द ब्रांड न्यू OnePlus 7 का, जो कि मेरे पास आके पहुंच चुका है अमेज़न से। तो चलिए दोस्तों इसे अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा अगर आप जा रहे हैं ये प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो वीडियो के एंड में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों बीइंग यूनिटी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देखे बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके हमारा हर न्यू वीडियो का। तो देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप अमेज़न से OnePlus 7 को परचेस करते हैं तो इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह से होके आएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए इस पैकेट को ओपन करके देख लेते हैं पैकेट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। पैकेट ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा OnePlus का बॉक्स, उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक इनवॉइस भी देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों ये बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो OnePlus 7 का बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है, ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसे कर लेते हैं साइड में। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये है हमारा ब्रांड न्यू OnePlus 7। अब चलिए फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और एक बात दोस्तों, वीडियो के एंड में इसका सारे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके पढ़ सकते हैं, मैं अच्छे से डिटेल्स में शेयर कर दिया है। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है इसका चार्जर, इसका लुक एंड डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, ठीक है। पीछे दोस्तों आपको OnePlus का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब इसे कर लेते हैं साइड में, मैं आपको USB केबल दिखा देता हूं कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ इस तरह से इसका USB केबल देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है इसका बैक कवर। अब इसका बैक कवर का लुक एंड डिजाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये सॉफ्ट है, इतना हार्ड नहीं है एंड ये ट्रांसपेरेंट भी है, काफी अच्छा लगेगा अगर आप इसे यूज करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है इसका पिन, जो कि आपको सिम स्लॉट यूज़ करने के लिए दिया गया है, आप निकाल सकते हैं सिम स्लॉट को, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरह से स्टिकर्स देखने को मिल जाएगा OnePlus का। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको बेसिकली यूज़र मैनुअल होता है और वारंटी डॉक्यूमेंट्स रहता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फिंगरप्रिंट लॉक कैसा रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है लॉक, ये अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहता है, आपको इस तरह से डिस्प्ले के ऊपर ही फिंगर सेंसर देखने को मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं आपके लॉक स्क्रीन को कुछ इस तरह से। तो अब इसका प्राइस के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इसका जो प्राइस है वो 32,999 रुपीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ड्यूरिंग सेल परचेस करना चाहते हैं ये और भी कम हो सकता है। और आप चाहें तो ओल्ड फ़ोन एक्सचेंज ऑफर में भी जा सकते हैं, जिसके दोस्तों आपको 4,000 to 5,000 और भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। दो रियर कैमरास आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा है 5 मेगापिक्सल का।
इसका क्वालिटी दोस्तों नो डाउट बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ्रंट कैमरा। जो फ्रंट कैमरा रहता है वो है 16 मेगापिक्सल का। इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब इसका सिम स्लॉट आपको दिखा देता हूँ, जो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसमें दोस्तों दो नानो सिम आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब मैं सेटिंग अबाउट में जाके दिखा देता हूँ इसका सारे स्पेसिफिकेशंस। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, मैं अच्छे से मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। अब इसका रैम के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो परचेस किया हुआ है इसका रैम है 6 GB एंड जो इंटरनल बिल्ड स्टोरेज है वो है 128 GB। ज़्यादा डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, वीडियो के एंड में भी मैंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली क्लिक करके बेस्ट बेनिफिट्स पा सकते हैं, ये प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लेना, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिखे बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके हमारा हर न्यू वीडियो का। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में हम लोग अवेलेबल रहते हैं। फिलहाल मैं उन्नीस रहता हूँ, फिर मिलूंगा बहुत जल्द और एक नए वीडियो लेकर। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बींग यूनिक टीवी।